हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में फिर से एक नमकीन का रिव्यू कर रही हूँ जो कि हल्दीराम की है। हल्दीराम की स्नैक लाइट और स्नैक लाइट की नूडल स्टिक्स, क्योंकि स्नैक लाइट रिलेटेड और भी कई नमकीन्स हैं, लेकिन स्नैक लाइट में ये वाली जो है वो है नूडल स्टिक्स। इसका नाम नूडल स्टिक्स है और इसका जो फ्लेवर है वो है चाइनीज़ मसाला। मसाला इसका चाइनीज़ मसाला है। तो इसका प्राइस हम देख लेते हैं। ये जो पैकेट है 5 रुपये का पैकेट है और इसमें 22 ग्राम्स आ जाते हैं 5 रुपीज़ में। और इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ और नमकीन्स भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्नैक लाइट के और 4 पैकेट्स इसमें दिखाए हुए हैं। इसमें कुछ सेप्स वाली स्नैक लाइट है जो कि ग्रीन कलर का पैकेट है। ये पिंक कलर का पैकेट है जो कटोरी स्टाइल में नमकीन्स हैं। और ये फ्रेंच फ्राइज रिलेट जैसी दिख रही है नमकीन जो कि आलू की हो सकती है। और ये व्हील्स टाइप में दिख रही है और इसका इस पैकेट का कलर है पर्पल। और इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, रिफाइंडेड व्हीट फ्लावर मैदा, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, टैपियोका स्टार्च, मेज स्टार्च, स्पाइसेस एंड कॉन्टिमेंट्स, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, एडिबल कॉमन सॉल्ट एंड शुगर पाउडर है। या डेट्स इट। तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये इतने आ जाते हैं इस पैकेट में, 5 रुपीज़ के पैकेट में 22 ग्राम्स। तो ये कुछ इस तरह से है। क्रंची क्रंची से लग रहे हैं और इनका टेस्ट ओके है। ना ज़्यादा स्पाइसी है और ना ज़्यादा हल्का मसाला इसका, अच्छा है मसाला इसका भी। और ये इतने सारे बहुत सारे आ जाते हैं, इनको एक एक करके आप खा सकते हैं पिक्चर देखते हुए। तो ये इसलिए काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो ये था आज का रिव्यू वीडियो। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।